swayam prabha digital india educated india namaskar स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ आज हम संविदा विधि के व्याख्यान संख्या नौ पर पहुँच चुके हैं जिसका शीर्षक है अनुबंध के उल्लंघन के उपाय यानी कि रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विषय सूची क्या कहती है हमारी सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुबंध के उल्लंघन जिसे हम अनुबंध भंग भी बोलते हैं यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका अर्थ क्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे अनुबंध के उल्लंघन के प्रकार पे यानी कि जो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं यानी कि अनुबंध भंग बोलते हैं उसके कितने प्रकार उसके दो प्रकार है वे क्या है और उनके बारे में वो हम समझने की कोशिश करेंगे फिर हम बढ़ेंगे अनुबंध के उल्लंघन के उपचार पर उपचार यानी कि पर हम अलग अलग तरह की रेमिडीज़ यानी कि उपचारों के बारे में समझेंगे जैसे कि हर जाना माने डैमेजेस उसका अर्थ और उसके प्रकार उसके असेसमेंट यानी कि क्षति के आकलन के क्या आधार है और हम ये भी समझेंगे कि जब हम कहते हैं क्षति की दूरदर्शिता यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस उसका क्या अर्थ होता है फिर हम ये देखेंगे कि 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 जो यानी यानी है जिसको हम हर जाना कहते हैं उसे कैसे मापा जाता है हाउ डू वी मेजर डैमेजेस फिर हम बढ़ेंगे क्षति का शमन यानी कि मिटिगेशन के ऊपर फिर आएगा जुर्माना एवं परिसमापन जाना यानी कि जो आपके भारतीय संविदा अधिनियम की धारा चौहत्तर है उसके तहत दिए गए जुर्माना एवं परिसमापन का हर्जाना वो समझने की कोशिश करेंगे यानी कि पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस अंत में हम विस्तार से देखेंगे कि धारा तिहत्तर और चौहत्तर जो भारतीय संविदा अधिनियम की है वो क्या कहती है और हम ये भी देखेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम के अलावा और क्या क्या उपचार है तो मैं आपको शुरू में ही सबसे पहले ये बता दूं कि जब हम कह रहे हैं कि हम उपचारों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि अनुबंध के उल्लंघन के उपचारों के बारे में तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि उसके उपचार केवल भारतीय संविदा अधिनियम के तिहत्तर चौहत्तर धारा में नहीं पाए जाते उसके अलावा भी हमारे पास और कानून है जहां पर उपचार मौजूद है तो हम आगे अपने आज के व्याख्यान में आगे उसकी ओर बढ़ेंगे सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुबंध के उल्लंघन यानी कि अनुबंध भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है मतलब क्या है देखिए मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये बताया था कि आ, पिछले व्या यानी कि सात पहले सात व्याख्यानों में हमने ये जाना है कि एक अनुबंध होता क्या है वे बनता कैसे है अब हम हमने अपने आठवें व्याख्यान में ये समझा कि जब एक आ, अनुबंध बन गया उसको फिर आगे कैसे खत्म हो किया जाता है उसका खात्मा या उसका अंत कैसे होता है जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ऐसे ही होता है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने वादे जो उस अनुबंध के तहत थे वो सब पूरे कर लिए तो उसके बाद कुछ और बचा नहीं अनुबंध का अंत हो गया एक आपको अगर ध्यान हो हमने ये भी पढ़ा था एक तरीका ये भी था कि जिसमें जो दो पक्ष है उन दोनों में से एक ऐसा व्यक्ति है एक पक्ष ऐसा है जो अपना वादा उस अनुबंध के तहत पूरा करने से मुकर जाता है तो जो व्यक्ति मुकर जाता है हम ये कहते हैं कि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है यानी कि जो वादा उसने उस अनुबंध के तहत किया था उसे तोड़ दिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है उल्लंघन का अर्थ है किसी अनुबंध के तहत दायित्व दायित्व यानी कि ऑब्लिगेशन यानी कि आपके दायित्व आपकी ड्यूटी क्या है उस अनुबंध के अंदर तो उल्लंघन का अर्थ है किसी अनुबंध के तहत दायित्वों का पूरा करने से इनकार करना जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों में से एक पक्ष अगर अपने वादे को पूरा करने से मना कर दे इनकार कर दे ऐसे में कहा जाता है कि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया अब इसके विपरीत हमने पिछले व्याख्यान में यह भी समझा था कि अगर दोनों पक्ष दोनों ही पक्ष मिल के आपसी समझौते से इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि वे दोनों ही उस अनुबंध में बंधे नहीं रहना चाहते जबकि उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है पर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि वे उस रिश्ते में उस अनुबंध में नहीं बंधे रहना चाहते अगर आपसी समझौते से वो ये निर्णय तक पहुंचते हैं तब तो ऐसी स्थिति में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हम नहीं कहते कि अनुबंध का उल्लंघन हुआ है क्योंकि वे आपसी सहमति से उन्होंने वो उसका खात्मा कर दिया है तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों में से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ पर जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं यानी कि अनुबंध के उल्लंघन की बात करते हैं तो दोनों में से एक पक्ष ऐसा है जिसने अपने किए गए वादे को तोड़ा है और उसके तोड़ने से दूसरे पक्ष को यानी कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है तो इसीलिए उसे उसका हरजाना भुगतना पड़ता है अब देखिए यदि पक्षकार अपने दायित्वों का पालन नहीं करते या यहाँ पालन करने से मना कर देते हैं या तो करते नहीं है या करने से मना कर देते हैं तो क्या होता है जैसा कि आपको अभी बताया इस प्रकार की चूक या मना करने के परिणाम स्वरूप अनुबंध का उल्लंघन होता है आपने वादा किया तोड़ दिया ब्रीच कमिट कर दिया उल्लंघन हो गया एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आखिर मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रही हूँ कि अनुबंध का उल्लंघन का मतलब क्या है अनुबंध भंग करने का मतलब क्या है विक्रेता विक्रेता द्वारा समय पर सामान वितरित करने में विफलता यानी कि समय से माल की डिलीवरी नहीं करी या यदि सामान वितरित किया गया है डिलीवर कर दिया गया है जिसने आपसे वो सामान खरीदा है उसको आपने डिलीवर कर दिया उस तक पहुंचा दिया पर लेकिन अनुबंध की गुणवत्ता या मात्रा विनिर्देशों को पूरा नहीं करता है तो दो चीजें लिखी हैं उदाहरण में पहली कि वो सामान पहुंचाता ही नहीं है वादे के तहत तो उसको वो सामान पहुंचाना था और बदले में पैसे मिलने थे या हो सकता है पैसे पहले ले लियो फिर सामान पहुंचाना था वो सामान नहीं पहुंचाता पहला दूसरा अगर सामान पहुंचाता भी है तो वह सामान जैसा कि पहले तय किया गया था अनुबंध के अंतर्गत वो सामान उस तरह का या उस क्वालिटी का जैसे हम बोलते हैं उस तरह का नहीं है तो ये दोनों ही सूरतों में हम बोलेंगे कि अनुबंध का उल्लंघन हुआ है यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अब हम देखेंगे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनुबंध के जो उल्लंघन के दो प्रकार हैं तो हम यहाँ पे उन दो प्रकारों को समझने वाले हैं देखते हैं दो क्या प्रकार है इनकी चर्चा थोड़ी सी हमने पिछले व्याख्यान में भी करी थी पर क्योंकि यह पूरा व्याख्यान ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही यानी कि अनुबंध पे ही है तो यह समझना एक बार दोबारा काफी जरूरी है तो देखते हैं क्या है ये? सबसे पहले है वास्तविक उल्लंघन यानी कि एक्चुअल ब्रीच दूसरा है प्रत्याशित उल्लंघन यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये कि धारा 38 और उनतालीस जो हमारे भारतीय संविदा अधिनियम में है यानी कि सेक्शन ३८ और ३९, इन दोनों में हमारा वास्तविक उल्लंघन और प्रत्याशित उल्लंघन पर विचार किया गया है जब हम वास्तविक उल्लंघन यानी कि एक्चुअल ब्रीच की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जिस जो दिन जो समय तय किया गया है वादे को पूर्ण करने के लिए उस दिन या उस समय पे जाकर सामने वाला व्यक्ति यानी कि वो पक्ष जिसने वो वादा पूरा करना था वो वादा पूरा करने से तय समय पर इनकार कर दे उसे हम कहते हैं वास्तविक उल्लंघन यानी कि एक्चुअल ब्रीच और वे दिया गया है धारा अड़तीस में और दूसरा प्रत्याशित उल्लंघन यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच उसका तात्पर्य यह है कि समय आने से जो तय समय है जिस दिन माल पहुंचना है या जिस दिन आपने अपने अनुबंध के तहत जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करना है उससे पहले ही एक पक्ष दोनों में से कोई एक पक्ष जो है वो सामने वाले पक्ष को मना कर देता है कि पहला या तो वो अनुबंध में दिया गया वादा नहीं करेगा साफ साफ मना करता है या वो ये कहता है कि वो उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने अनुबंध में किए गए वादे को पूरा कर सके तय समय पर तो ये दोनों ही चीजों में दोनों ही सूरतों में हम कह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि प्रत्याशित उल्लंघन हुआ है और ये धारा उनतालीस भारतीय संविदा अधिनियम की धारा उनतालीस के तहत दिया गया है देखते हैं क्या है किसी दायित्व के देय होने पर यानी कि किसी ऑब्लिगेशन कोई आपकी ड्यूटी जो अनुबंध के अंतर्गत है उसके यानी कि ड्यू ड्यू होने पर उसे पूरा करने में असफल होना जब जब डेट है जब आपके बीच में जो समय तय हुआ है तब नहीं पूरा किया गया उदाहरण के लिए खैर ये उदाहरण वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अभी चर्चा करी कि जो विक्रेता है अगर वो समय से नहीं पहुंचा पाता सामान अपना तय समय पर या तो मना कर देता है पहुंचाने के लिए या सही सामान नहीं भिजवाता तो उसे हम वास्तविक उल्लंघन कहते हैं हम आते हैं प्रत्याशित उल्लंघन पे यह तब होता है जब एक पक्ष प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि के आने से पहले घोषणा करता है कि वह निर्दिष्ट तिथि पर संविदात्मक दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा इसका भी एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको देखिए मान लीजिए मैंने सामने वाले व्यक्ति के साथ एक अनुबंध किया उस अनुबंध के तहत आज से समझिए पंद्रह दिन के बाद मुझे कुछ सामान जो सामान मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में बनता है वो सामने वाले व्यक्ति ने या उस पक्ष ने पक्षकार ने मेरे साथ एक अनुबंध किया है जिसके तहत पंद्रह दिन के बाद जितना सामान उन्होंने मेरे पास ऑर्डर किया है मुझे वो उन तक उनके ऑफिस तक पहुंचाना है पंद्रह दिन के बाद की तारीख तय की गई है अब मान लीजिए हफ्ते हफ्ते के बाद, हफ्ते के बाद बाद अगर मैं जिसके फैक्ट्री में वो सामान तैयार हो रहा है हफ्ते के बाद अगर मैं उस व्यक्ति को यानी कि सामने वाली दूसरी पार्टी को ये बोल दूं कि मेरे से ये वादा पूरा नहीं हो पाएगा पंद्रह दिन के अंदर अंदर पंद्रह दिन के अंदर तो नहीं पंद्रह दिन के बाद जो मैंने सामान आप तक पहुंचाने का वादा किया है मैं वो नहीं पहुंचा सकूंगी अब ऐसे में मैंने आपको ये बताया कि हफ्ते के बाद और पंद्रह दिन का टाइम है मतलब हमारे पास अभी भी समय है तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति क्या करता है जिसको मैंने मना किया कि मैं नहीं कर पाऊंगी उसके पास दो विकल्प है पहला विकल्प कि वे व्यक्ति मान ले कि भाई खत्म हो गया ये अनुबंध इसका अंत हो गया समाप्त हो गया क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो फिर जैसे हम कहते हैं वॉयड तो ये वॉइड हो जाएगा खत्म हो जाएगा और इनफैक्ट मैं वॉयड भी नहीं बोलूंगी माफ कीजिए इसको ब्रीच ही बोलेंगे क्यों क्योंकि मैंने तो अपना वादा पूरा नहीं किया तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूं मैं आ, जब मना किया तो सामने वाला व्यक्ति उसी वक्त बोल सकता है ठीक है आपने मना किया इसे खत्म करते हैं पर क्योंकि आपने अनुबंध का उल्लंघन किया यानी कि ब्रीच किया है तो आइए आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी मतलब यह भी हो सकता है कि अगर उससे कुछ नुकसान हुआ है तो वो नुकसान की भरपाई मुझसे करेगा अगर नुकसान नहीं भी हुआ ऐसे में भी जो न्यायालय है जिसे हम कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस चाहे मामूली मामूली जुर्माना ही पर कुछ ना कुछ जो भी हर मुझे भुगतना पड़ेगा दूसरा विकल्प ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे तो वो पंद्रह दिन यानी कि तय किए गए समय तक इंतजार करे कि क्या पता मैं पंद्रह दिन बाद इस स्थिति में हूं कि मैं उसके द्वारा दिया गया ऑर्डर सामान का ऑर्डर पूरा करके उस तक वो पहुंचा सकूं वो इंतजार कर सकता है पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सातवें दिन मैं उस व्यक्ति को यह बताती हूँ कि मैं पंद्रह अपना दिया गया वादा नहीं पूरा कर पाऊंगी तो ऐसी स्थिति में और अगर सामने वाला व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है यानी कि वो इंतजार करने को तैयार है उसको मुझ तक ये सूचना पहुंचानी जरूरी है कि वो व्यक्ति पंद्रह दिन तक मेरा वादा पूरा करने का इंतजार करेगा उस तक सूचना कम्युनिकेशन नोटिस देना उस व्यक्ति को जरूरी है ये नहीं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ मान के बैठ गई कि मैंने तो मना कर दिया है पर बताना ज़रूरी है हर हर चीज़ जो जो भी हमने अब तक चीजें टॉपिक्स पढ़े हैं आपने देखा होगा हर एक में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सामने वाले तक अपनी बात रखना सूचना देना उस तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है अब हम देखते हैं अनुबंध के उल्लंघन के उपचार जो कि हमारे आज के व्याख्यान का शीर्षक है उपचार को राहत राहत यानी कि रिलीफ के रूप में भी जाना जाता है यानि कि हम रेमेडी को रिलीफ भी बोलते हैं अनुबंध के उल्लंघन का अर्थ है अनुबंध के तहत दायित्व की पूर्ति ना करना अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार जो है जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही जब हम विषय सूची के बारे में देख रहे थे तब भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जान लीजिए कि सिर्फ भारतीय संविदा अधिनियम ही इकलौता ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे अनुबंध के टूटने से या अनुबंध के उल्लंघन से जो उल्लंघन के बाद जो उपचार है केवल भारतीय संविदा अधिनियम में नहीं पाए जाते हैं उसके अलावा भी और कानून है जिसके अंतर्गत उसका उपचार मौजूद है देखते हैं वो क्या है सबसे पहला तो जाहिर सी बात है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दूसरा इसका जिक्र भी हमने किया है जब हमने मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष जब हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इस पे व्याख्यान किया था यानी कि विदित सक्षमता के बारे में व्याख्यान किया था तब हमने इस विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में तब भी थोड़ी सी चर्चा करी थी तो हाँ दूसरा जो दूसरा कानून है वे है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तीसरा है कॉमन लॉ उपचार कॉमन लॉ रेमेडी के तहत तीसरा उपचार हमारे पास उपलब्ध है तो ये मान लीजिए कि केवल भारतीय संविधान अधिनियम तक सीमित नहीं है हम हमारे पास दो और कानून है जिसके तहत हमें उपचार मिलता है उपलब्ध है वो क्या क्या उपचार है उसकी उसे हम विस्तार पूर्वक थोड़ी देर में पढ़ेंगे अब देखते हैं विभिन्न उपचार अब मैं आपको बस एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया दूंगी कि, कि किस तरह के उपचार हैं बाकी के कानूनों में भी तो सबसे पहले तो क्षति यानी कि डैमेजेस अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसका मतलब ये होता है कि अगर दो तो व्यक्तियों के बीच में जो अनुबंध हुआ है और एक ने अपना वादा पूरा करने से इनकार किया तो कोर्ट न्यायालय उस व्यक्ति को ये कह सकती है कि जो वादा आपने किया था अगर आप उसको पूरा करने की स्थिति में हो आपने जानबूझकर वादा तोड़ा है तो कृपया करके आप अपना दिया गया वादा पूरा कीजिए क्योंकि कोई भी ऐसा हर जाना नहीं है जो उसके नुकसान की भरपाई कर सकेगा तो आप वो सामान उसे दीजिए उसे हम कहते हैं अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आगे देखिए निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन इंजंक्शन को रोक भी बोलते हैं रोक रोक लगा देना फिर है और ये जो मैंने आपको बताए क्षति या विशिष्ट निष्पादन या निषेधाज्ञा ये जो उपचार है ये पाए जाते हैं भारतीय संविदा अधिनियम और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर अब जो हमने कॉमन लॉ उपचार यानी कि कॉमन लॉ रेमेडी कॉमन लॉ रेमिडी पे जो हमने जिक्र किया था उसके अंतर्गत जो हमारे पास उपचार है उसका नाम है क्वांटम मेरिट क्वांटम मेरिट क्वांटम का मतलब कितना प्रपोशन कितना वेट मेरिट माने क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है कि जितना मैंने काम किया उसके बदले में जितना पैसा बनता है वो क्वांटम मेरिट उसके हिसाब से उसके बदले में उसके जितना प्रपोशन में इन proportion. अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन उपचारों के बारे में सबसे पहले क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो उपचार दिया गया है सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे वह है हरजाना यानी कि डैमेजेस हम पढ़ेंगे उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग और उसके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस तो देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले जो आपको समझना जरूरी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है उसे समझना सबसे पहले जरूरी है यानी कि जो शब्द है हर जाना वो इस शब्द नुकसान से अलग है यानी कि जब हम डैमेजेस बोलते हैं डैमेजेस और ये जो डैमेज है इसके बीच में अंतर है फर्क है डैमेज का मतलब नुकसान करना तोड़ फोड़ करी नुकसान करा जो डैमेजेस की हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम के तहत जिसे हम हर जाना बोलते हैं हर जाना होता है नुकसान की भरपाई तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कितनी बार देखते हैं उन उनकी कॉपियां चेक करते हैं वक्त की वो डैमेज damage और डैमेजेस के बीच में कभी कभी ज्यादातर तो नहीं पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है डैमेज का मतलब नुकसान है और जो डैमेजेस है वो उस नुकसान का हरजाना है उसकी भरपाई है ये जरूर समझिएगा आगे देखते हैं नुकसान का अर्थ है चोट चोट जैसे मैंने आपको वही कहा कि आपने किसी का नुकसान किया उसके प्रॉपर्टी को संपत्ति को चोट पहुंच सकती है उसके शरीर पे चोट पहुंच सकती है जिसे हम कहते हैं इंजरी नुकसान यानी कि डैमेज डैमेज यानी कि इंजरी और हर जाना जो कि डैमेजेस है उसका अर्थ है ये आपको जानना बहुत जरूरी है अर्थ है अनुबंध के उल्लंघन में पीड़ित पक्ष पीड़ित पक्ष को क्या बोलते हैं हम पीड़ित पक्ष को हम कहते हैं इंजर्ड पार्टी या फिर अग्रीव्ड पार्टी ये देखिए इंजर्ड पार्टी या फिर अग्रीव्ड पार्टी क्यों क्योंकि वह पीड़ित पक्ष है क्यों पीड़ित है क्योंकि उस पक्ष का नुकसान हुआ है सामने वाले के अनुबंध के उल्लंघन की वजह से तो हम देखे हम पढ़ रहे थे कि हर्जाना का क्या अर्थ है तो हर्जाना का अर्थ है अनुबंध के उल्लंघन में पीड़ित पक्ष को हुए हानि के लिए मौद्रिक मुआवजा मौद्रिक मुआवजा का मतलब होता है मॉनेटरी कॉम्पेसेशन किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर जाना देने का उद्देश्य ये सबसे जरूरी है कि अगर किसी ने नुकसान किया और आप उसको हरजाना देने को बोलते हैं तो उसका उद्देश्य कि ऑब्जेक्ट क्या है क्योंकि देखिए एक यहाँ पे रुकते मैं एक चीज आपको एकदम मेरे दिमाग में आई मैं आपको ये जब भी हम बात करते देखिए हम पढ़ रहे हैं संविदा विधि वो एक प्रकार का सिविल लॉ है आपको सब पता है कि कानून आ, में आपने क्रिमिनल लॉ भी क्रिमिनल लॉ के बारे में भी सुना होगा अब क्रिमिनल लॉ या क्राइम इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसी को यहाँ पे सजा क्या है यहाँ पे सजा नहीं है यहाँ पे उपचार मिल रहा है उपचार क्या है कि भाई आपने नुकसान किया मौद्रिक हरजाना देना पड़ेगा या फिर जो वादा किया था उसको पूरा करना पड़ेगा जब हम क्राइम की बात करते हैं वहां पर हम देते हैं पनिशमेंट यानी कि एक व्यक्ति जो है वो जेल जाता है ज्यादा करके जेल जाता है या फाइन भरता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ऐसे ऐसी सजा देने का क्या महत्व है क्यों दी जाती है ऑब्जेक्टिव जो आपने यहाँ पे भी तो उद्देश्य पढ़ा उसका उद्देश्य ये होता है कि उसको सजा देने का मतलब ये है कि बाकी भी सब व्यक्तियों को पता चले कि अगर आप इस तरह का कार्य करेंगे तो ये उसका अश्र होगा यानी कि ये उसका कॉन्सिक्वेंस होगा यानी कि आपको पनिशमेंट मिलेगी सजा मिलेगी यहां पर अब हम वापस आते हैं सिविल लॉ की अगर हम बात करें और स्पेशली क्योंकि हम संविदा विधि पढ़ रहे हैं अनुबंध के बारे में पढ़ रहे हैं अनुबंध के टूटने पर हम सजा नहीं देते हैं ये ध्यान रखिएगा सजा और उपचार में बहुत अंतर है हम सजा नहीं देते हैं अगर कोई व्यक्ति अनुबंध को तोड़ता है अपना वादा पूरा नहीं करता है तो उसको सजा नहीं मिलती उसको उस वचन को तोड़ने की भरपाई करनी पड़ती है ये चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे थे कि किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर जाना देने का उद्देश्य घायल पक्ष को उसी वित्तीय स्थिति में डालना है जैसे कि अनुबंध का पालन किया गया हो यानी कि उसको वापस से ही उसी स्थिति में ले जाया जाए जैसे कि वह व्यक्ति पहले था अब हम देखेंगे हर जाने के प्रकार। सबसे पहले देखिए मैंने तीन तरह की कैटेगरीज यहाँ पे आप अपने अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तीन कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखेंगी पहली ये दूसरी यहां और ये तीसरी एक एक करके तीनों को समझते हैं सबसे पहला जो मैंने आपके सामने ये प्रकार जो ये कैटेगरी लिखी है देखिए वे है साधारण या सामान्य और विशेष हर जाना जिसे हम कहते हैं जनरल डैमेज या फिर स्पेशल डैमेज देखिए जनरल डैमेज का मतलब क्या होता है जनरल डैमेज का मतलब यही है कि देखिए आपने अगर मुझे जो भी मैंने आपसे ऑर्डर किया है आपने मुझे समय से नहीं दिया तो जो मुझे मामूली जो भी अगर नुकसान हुआ हो उसे हम जनरल डैमेज कहते हैं जो आमतौर पे एक पहले से ही अंदाजा सबको होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपना ये वादा नहीं पूरा करेगा तो दूसरे पक्ष को क्या नुकसान होने वाला है पहले से ही एक अंदाजा सबको होता है ये सब देख सकते हैं पहले से ही सोच सकते हैं उसे हम जनरल डैमेज कहते हैं जब हम कहते हैं स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज ध्यान रखिए जनरल डैमेज से अलग इसीलिए है क्योंकि स्पेशल डैमेज एक ऐसी चीज है जिसका अंदाजा या अनुमान पहले से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता उसे नहीं पता कि अगर वो आपसे माल खरीद रहा है तो वो आगे उस माल का क्या करने वाला है वो किसी और को बेचने वाला है या खुद इस्तेमाल में लाने वाला है देखिए अगर वो किसी और को बेचने वाला है तो हाँ उसको जरूर नुकसान हो सकता है अगर आपने उसको समय से वो चीज नहीं दी जाहिर सी बात है और स्पेशल डैमेज में एक ये खास बात जरूरी है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि आपको स्पेशल डैमेजेस जो है यानी कि विशेष हरजाना जो है तब भी आप उसका उसकी मांग कर सकते हैं न्यायालय में उसके लिए न्यायालय के सामने प्रार्थना कर सकते हैं तब केवल तब जब आप अनुबंध में सामने वाले व्यक्ति के साथ बंध रहे हैं और आपने उसको पहले से ही ध्यान रखिए पहले से ही उसी समय अनुबंध में बनते समय ही ये जानकारी दी हुई है कि अगर आपने अपने दिया गया वादा नहीं पूरा किया तो मुझे ये नुकसान हो सकता है क्योंकि इतनी दिव्य दृष्टि किसी की नहीं होती कि उसे पहले से ही पता है कि आप उससे अगर ये सामान ले रहे हो तो आप उसको आगे बेचने वाले हो और फिर वो व्यक्ति भी उसको आगे बेचने वाला है जब तक आप इस व्यक्ति को नहीं बताएंगे आप इसकी वसूली उससे नहीं कर सकते हैं ये होता है हमारा स्पेशल डैमेज दूसरी कैटेगरी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने लिखा है नाम मात्र यानी कि नॉमिनल और अनुकरणीय यानी कि जिसे हम कहते हैं एग्जेपलरी डैमेजेस नॉमिनल का मतलब मामूली है देखिए आपने किसी का जो राइट right है उसको उसको आपने कहते हैं ना इंफ्रिंज किया इंटरफेयर किया उसको नुकसान पहुंचाया क्योंकि आपने वादा तोड़ा उसका राइट है अधिकार है तो आपकी ड्यूटी बनती थी उस अधिकार का उसको ना तोड़ने के लिए पर आपने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करी आपने अपने किया गया वादा तोड़ा है अब ये उस व्यक्ति को वादा तोड़ने की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है वो नुकसान जो है उससे पता चलेगा कि केवल नाम मात्र उसको हरजाना मिलेगा या फिर उसको अनुकरण यानी कि एक्जरी डैमेजेस मिल सकते हैं परिसमाप्त तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं हमने जो लिखी है वह है परिसमाप्त एवं अपरिणित परिसमाप्त एवं अपरिणित अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए जब हम परिसमाप्त बोलते हैं ये है लिक्विडेटेड डैमेज लिक्विडेटेड अपरिणित माने अनलिक्विडेटेड अब ये liquidated unliquidated क्या है ये परिसमाप्त और अपरणीत का मतलब क्या है देखिए जब हम liquidated बोलते हैं या कि परिसमाप्त बोलते हैं इसका मतलब ये है कि एक प्री एस्टीमेशन यानी कि अनुबंध में बनते समय ही दोनों पक्षों ने एक सोचा समझा अंदाजा लगा लिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर वादे को पूरा नहीं कर पाएगा उस अनुबंध के तहत तो दूसरे व्यक्ति को कितना नुकसान हो सकता है दोनों ने ही समझदारी से सोच विचार करके पहले से ही एक अंदाजा लगा के रखा है कि अगर किसी ने वादा तोड़ा तो वो कितना देने के, आ, कितना उसे देना पड़ेगा उसे हम कहते हैं परिसमाप्त हरजाना अब अगला है अपरिणित हरजाना अब अपरिणित यानी कि अनलिक्विडेटेड का क्या मतलब हुआ अनलिक्विडेटेड जैसे लिक्विडेटेड है पहले से ही अंदाजा लगाना अनलिक्विडेटेड मतलब है अंदाजा नहीं लगाना अनलिक्विडेटेड डैमेज वो होता है जहां पे या तो अंदाजा लगाया नहीं गया या अंदाजा लग ही नहीं सकता तो मतलब पहले से ही अनुबंध में इसके ऊपर कुछ विचार नहीं किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है अनुबंध के अंतर्गत कि अगर कोई एक पार्टी कोई एक पक्ष अपना वादा तोड़ता है तो कितना नुकसान हो सकता है उसका कोई अंदाजा या प्री एस्टिमेशन नहीं किया गया है तो ये थे तीन प्रकार तीन कैटेगरी इनफैक्ट जो हमने हर जानों की पढ़ी यहां पे अलग अलग अब हम बढ़ते हैं भारतीय संविदा अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधान यानी कि रेलेवेंट प्रोविजन तो हम ये देखेंगे हम इस प्रासंगिक प्रावधान जिनकी बात कर रहे हैं हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे धारा तिहत्तर और चौहत्तर भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं क्या लिखा है वहां तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा तिहत्तर वहां लिखा है कि अनुबंध के उल्लंघन के कारण होने वाली हानि यानी कि जिसे हमने कहा है लॉस या नुकसान यानी कि डैमेज उसके लिए मुआवजा तो यानी कि जो आपकी धारा तिहत्तर है वो बात कर रही है कि अनुबंध के उल्लंघन वजह से होने वाली कोई भी हानि या नुकसान उसके लिए दिया गया मुआवजा मुआवजा का मतलब क्या होता है कॉम्पेंसेशन जब कोई अनुबंध टूट जाता है तो जो पक्ष इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित होता है यानी कि पीड़ित पक्ष वह उस पक्ष से जिसने अनुबंध तोड़ा है किसी भी नुकसान या हानि के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है क्यों? क्योंकि नुकसान तो उसी का हुआ है। आपने तो वादा पूरा नहीं किया नुकसान तो सामने वाले का हुआ है अब आपने नुकसान किया तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी उसके कारण जो स्वाभाविक रूप से चीजों के सामान्य क्रम में ऐसे उल्लंघन से उत्पन्न हुआ जिसे हमने अभी पढ़ा था जनरल डैमेजेस मैं यहां लिख देती हूं आपकी जानकारी के लिए दोबारा या फिर जिसे पार्टियों को पता था जब उन्होंने अनुबंध किया था तो हमने जो पढ़ा था अभी स्पेशल डैमेजेस तो बात इतनी है कि जो हमारी धारा तिहत्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसीलिए क्योंकि जब अभी हमने जनरल डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस ये सारी चीजें पड़ी है, है बहुत ही कोई बहुत बड़ा ये धारा नहीं है कोई बहुत बड़ा लिखित इसमें कुछ कहानी नहीं है पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छोटी छोटी कई चीजें दी गई हैं जिसका जानना या जिसका अनुमान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आखिरकार कोर्ट भी उन्ही चीजों पर ध्यान रखता है जब ये डिसाइड करता है या जब ये निर्णय करता है कि अगर अनुबंध का उल्लंघन हुआ है तो कितना हर जाना सामने वाली पार्टी को देने के लिए कहा जाना चाहिए तब जब दोनों पार्टियों ने कोई पहले से ही अंदाजा नहीं लगा के रखा हुआ तो कुछ चीजें या कुछ जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स है जो इस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं तो सबसे पहले तो यही जो हमने अभी पढ़ा था कि दो तरह के जो हर जाने हैं एक विशेष और एक सामान्य यानी कि स्पेशल डैमेज जनरल डैमेज वही हमने अभी देखा ये जनरल डैमेज और यहाँ पे हमने देखा अभी स्पेशल डैमेज तो इसके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने की संभावना थी अब आगे देखते हैं ये जो पॉइंट भी आप यहाँ देख रहे हैं ये भी धारा तिहत्तर का ही एक पार्ट है तो यहाँ लिखा है कि ऐसा मुआवजा उल्लंघन के कारण हुई दूरस्थ यानी कि रिमोट और अप्रत्यक्ष हानि जैसे कि मैंने लिखा है इनडायरेक्ट लॉस या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना चाहिए अरे अगर मैंने मेरे से कुछ गलती हुई या मान लीजिए ठीक है मैंने अगर आपको समय से जो भी माल आपने जो भी सामान आपने मुझे ऑर्डर किया था डिलीवर करना है मैंने अगर समय से नहीं किया अब ठीक है मैंने समय से नहीं किया अगर आपने उस सामान को मार्केट में कहीं और से उठाया अपना नुकसान रोकने के लिए तो ठीक है अगर मैं आपको एक चीज दस रुपए में दे रही थी आपको वहां से तीस की मिली तो बीस रुपए का हर जाना आप मुझसे ले सकते हैं पर यह नहीं कि ठीक है अगर मैंने आपको वादा पूरा नहीं किया सामान टाइम से नहीं पहुंचाया तो उससे हुआ हर एक नुकसान आपका उसकी भरपाई मैं करूंगी मान लीजिए मेरे टाइम से मेरा वादा ना पूरा टाइम से ना पूरा करने की वजह से आपको इतना नुकसान हो गया आपके परिवार में कोई बीमार हो गया आपको उसकी दवाई करनी पड़ी उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा आप उसका हर जाना थोड़ी ना मुझसे लेंगे तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है इसे हम कहते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज यानी कि माना किसी ने गलती करी है पर उस गलती की सज़ा भी तो आप एक लिमिट तक उस इंसान को देंगे ये थोड़ी ना कि जो भी उस गलती का जो भी नतीजा और जितने भी दूर तक वो जाए नतीजा उसकी भरपाई ये व्यक्ति करेगा ऐसा नहीं है तो जैसे कि आप क्रिमिनल लॉ में बोलते हो ना कि डबल यानी कि आपने एक बार एक क्राइम करा तो आपको उसकी दो बार सजा नहीं मिलती है एक ही बार उस क्राइम की सजा मिलेगी तो उसी तरह यहाँ भी है कि आपको कहीं तो लाइन एक कहीं तो रेखा खींचनी पड़ेगी कि अगर एक व्यक्ति ने नुकसान किया तो ठीक है उस ये नुकसान है तो इस नुकसान का यही मतलब अगर ये वादा तोड़ा तो आमतौर पर यही नुकसान होता है उसका जैसे आप कहते हैं इन कोर्स इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस यही नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में तो आप उससे सिर्फ उतना ही अर्जाना ले सकते हैं ये नहीं कोर्ट में जाके आप अगर रो भी दें कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया तब भी कोर्ट आपको ये बोलेगा देखिए इसमें इसकी क्या गलती है इसको थोड़ी ना पता था कि ऐसा होने वाला है तो उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है उसे रिमोटनेस कहते हैं और हम आगे अब मिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे देखते हैं यह अनुबंध के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के संदर्भ में मुआवजे का प्रावधान करता है इस धारा यानी कि धारा 73 इस धारा के अनुसार मुआवजा केवल व्यापार के नियमित दौरान होने वाले नुकसान फिर से मैं बताती हूँ आपको ये जनरल डैमेजेस के बारे में क्या रहा है क्या होता है जनरल डैमेजेस देखिए लिखा है व्यापार के नियमित दौरान होने वाला नुकसान उसको जनरल डैमेज कहते हैं जिसका अंदाजा पहले से ही होता है लोगों को उतना रहता है दिमाग में आइडिया या फिर ऐसे नुकसान के लिए दिया जाएगा जिसके बारे में पार्टियों को पता था नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के उल्लंघन के कारण होने की संभावना है अब जाहिर सी बात है वो जनरल था यो, तो ये स्पेशल डैमेजेस होगा। अब आगे देखें। चुनौती वास्तविक हानि या नुकसान को साबित करने में है क्योंकि केवल ऐसे नुकसान की ही भरपाई की जा सकती है और दुरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि यानी कि रिमोट इनडायरेक्ट लॉस या क्षति को विशेष रूप से इस धारा के दायरे से बाहर रखा गया इनडायरेक्ट लॉस रिमोटनेस जो अभी मैंने आपको बताया कि एक रेखा डालनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति को आप किस हद तक गुनेगार तो नहीं बोलूंगी जिम्मेदार गुनेगार तो क्राइम से बोलते हैं यहां बोलेंगे जिम्मेदार किस हद तक उस व्यक्ति को उसकी करनी का जिम्मेदार हम उठा सकते हैं वही डिसाइड करता है कि कितना उसे देना पड़ेगा तो वही चीज यहाँ लिखी है असली चुनौती वही है क्योंकि उसी से ही कोर्ट अंदाजा लगा पाएगा कि उस व्यक्ति को कितना हरजाना देने के लिए बोला जा सकता है अब जरा थोड़ा पढ़ते हैं देखते हैं ये एक मैंने आपको जो इतनी देर से जनरल डैमेज यानी कि सामान्य हरजाना विशेष हरजाना इसकी इतनी देर से कहानी बताई है पर यह आखिर आया कहाँ से देखिए जो हमारी व्याख्यान जो संख्या एक जो पहला हमारा जो आपके साथ लेक्चर हुआ था संविदा विधि में तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी अगर आपको याद हो कि देखिए जब आप जो हमारा भारतीय संविधा अधिनियम है उसमें काफी हद तक जो चीजें डली हुई या वो कॉमन लॉ से आई हैं कॉमन लॉ जो प्रिंसिपल्स इंग्लिश प्रिंसिपल्स कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स क्या है कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स ये है कि जो अंग्रेजी डिसाइडेड यानी कि तय किए गए मामले जो मामले तय हो चुके हैं उनमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल या कोई ऐसे रूल वहां के न्यायालय ने लिखे थे जो हमने अपनी भारतीय संविदा अधिनियम में डाले हैं क्यूं? क्यों क्योंकि ये भी तो अठारह का ही कानून है तब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था तो ये उसी समय का ही कानून है तो वहां के प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिखेंगे तो ये मैं आपको क्यों इतनी कहानी सुना रही हूँ वो इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपसे इंग्लिश लॉ कॉमन लॉ जो बारे में बात करी आपको अपने स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा मैंने एक, आ, मामला, आ, एक आ, मामला एक अंग्रेजी मामला एक इंग्लिश केस के बारे में लिखा है जिसका नाम है हेडली बनाम बैगजन डेल अब हेडले बनान बैगजेंडेल यानी कि हेडले वर्सेस बैगेंडेल ही वह केस है या वह मामला है जिसमें कोर्ट ने ये जो दोनों जो ये दो भाग थे सामान्य हरजाना और विशेष हरजाना ये क्या है क्यों अलग है एक दूसरे से इन सब की चर्चा काफी विस्तार से हेडले बनाम बैगजेंडेल में की गई है और उसी केस में जब ये जो ये रूल निकल के आया कि भाई हर जाने जो है वो दो प्रकार के होते हैं वो रूल जो है हमने धारा तिहत्तर के अंतर्गत डाला मैं इससे और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कोर्ट्स में डला हुआ ये जो है ये इसी मामले में से लिया गया एक अंश है पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंचा क्यों ऐसा हुआ क्या था कारण क्या था तो देखिए एक व्यक्ति वो एक मिल चलाता था एक फैक्ट्री एक मिल थी उसकी अब उस व्यक्ति की जो मिल में मशीन थी उस मशीन का एक बहुत ही जरूरी पुरजा जो है वो टूट गया अब उसके टूटने की वजह से उसकी वो मशीन काम करनी बंद हो गई उसने दूसरे जगह पर स्थित एक व्यक्ति से जो ये पुर्जे बनाता था उससे बात करी और उसको बोला कि हमें ये पुर्जा जरूरी चाहिए और जल्द ही चाहिए होगा क्योंकि काम रुका हुआ है तो ठीक है अब उस, उसने कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए कि आप अपना वो जो पुर्जा जो टूट गया है वो मेरे पास भिजवा दीजिए तो मैं उसी आकार का और उसी तरह का हु आपको एक नया बना के दे दूंगा पुर्जा तो इस व्यक्ति ने क्योंकि पुराना केस है तो इस व्यक्ति ने एक आ, किसी को डिलीवर करने के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए एक अनुबंध उसके साथ किया कि देखिए जैसे कैरेज के लिए कि भाई आप ये रखिए बहुत जरूरी चीज है ये पुर्जा ये आप जाके उस व्यक्ति को उस जगह पे देकर आइए और उन्हें प्लीज ये आप समय से उन तक पहुंचाइएगा क्यों क्योंकि वरना हमें नुकसान हो जाएगा ठीक है पर जिस व्यक्ति ने या जिस आ, जिस पक्ष ने जो अनुबंध में पक्ष था उसने जिसने पहुंचाना था वो तीसरे व्यक्ति के पास जिसने वो बनाना था देर कर दी समय से नहीं पहुंचाया समय से नहीं पहुंचाया तो जाहिर सी बात है कि वो पुर्जा बनने में टाइम लगेगा हर चीज में टाइम लगता है तो टाइम लगा तो मिल का जो मालिक था उसने इस कंपनी पे कर दिया एक आ, आ, एक कोर्ट चले गए वो कोर्ट इसीलिए चले गए उनके खिलाफ क्योंकि उन्होंने ये बोला कि देखिए जो इन्होंने बोलने के बाद भी जो इन्होंने डिले किया या जो टाइम से समय से नहीं पहुंचाया वो पुर्जा उसकी वजह से हम हमें निम्नलिखित नुकसान हुए पहला नुकसान ये हुआ कि भाई हमारी फैक्ट्री जो थी वो मशीन रुक गई तो काम हमारा नहीं हो पाया तो जो हमारी आमदनी और जो प्रॉफिट होता है हमारा वो हमारा जो है खत्म हुआ कितना हुआ उसका अंदाजा बताया फिर कहा कि भाई हमें एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया वो नुकसान हुआ और तीसरा बोला कि भाई हमारी फैक्ट्री बंद हो गई कि वो एक तो मतलब सोचिए उसके पास वही एक मशीन थी जो उस पुर्जे के टूटने से बंद हो गई जिस वजह से उसकी मिल ही बंद हो गई अब क्यों हैडले बनाम बैग में सामान्य हरजाना और विशेष हरजाना के बारे में कहानी की गई इसीलिए की गई क्योंकि इतने तरह के कि भैया आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला सरकारी जो आप अनुबंध जो होने करार जिसमें आप जुड़ने वाले थे वो नहीं हो पाया या आपकी मिल ही बंद हो गई देखिए प्रॉफिट में नुकसान हुआ काम आमदनी में नुकसान हुआ वो समझ में आता है कोर्ट ने कहा कि वो तो जनरल डैमेजेस में आएगा सामान्य नुकसान है इसका अंदाजा तो रहता ही है पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट छिन गया या आपकी मिल बंद ही हो गई इसका अंदाजा सामने वाले व्यक्ति को कैसे होगा इसकी भरपाई आप उससे कैसे मांग सकते हो तो कोर्ट ने तो न्यायालय ने इस मामले में ये लिखित में कर दिया कि दो तरह के हर होते हैं एक जो कि सामान्य हरजाना जनरल डैमेजेस है वो इस मामले में देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया पर जो दूसरा है यानी कि विशेष वो कोर्ट ने वो न्यायालय ने इस मामले में देने के लिए दे, वो मना करा नहीं दिया क्यों क्योंकि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब हम विशेष हरजाना यानी कि स्पेशल डैमेजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे जरूरी क्या चीज थी ये चीज थी कि जब दो व्यक्ति अनुबंध में बंध रहे हैं तो उस समय पर ही उस अनुबंध में बनते समय पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसी समय ये चीज बता दे कि देखिए अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो मुझे ये 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 नुकसान हो जाएंगे अगर इस व्यक्ति ने दूसरे को तभी बता दिया होता तो वो उसका भी भुगतान करवा सकता था तो अब हम जरा पढ़े कि इस मामले में जो हेडली बनाम बैगजिन डेल में कोर्ट ने, ने न्यायालय ने कहा क्या जहां दो पक्षों ने एक अनुबंध किया है और उनमें से एक ने तोड़ दिया है तो अनुबंध के ऐसे उल्लंघन के संबंध में दूसरे पक्ष को जो नुकसान मिलना चाहिए वह या तो ऐसा होना चाहिए जिसे उचित और निष्पक्ष रूप से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न माना जा सके जनरल डैमेज यानी सामान्य के अनुसार चीजों के क्रम में या ऐसे अनुबंध के उल्लंघन के संभावित परिणाम के रूप में अनुबंध बनाते समय दोनों पक्षों के विचार में उचित रूप से यह माना जा सकता है यानी कि दूसरा पहले से ही दोनों व्यक्तियों के दिमाग में यह चीज थी कि ऐसा नुकसान हो सकता है स्पेशल डैमेजेस उल्लंघन के कारण हुई किसी दूरस्थ और अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा नुकसान का आकलन पार्टी को वास्तव में हुए नुकसान से किया जाता है जाहिर सी बात है तभी जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज की हम बात कर रहे हैं कोर्ट कैसे अंदाजा लगाएगा कोर्ट को भी तो अंदाजा जब देखिए अगर आपने पहले से ही अनुबंध में जैसे मैंने कहा पहले से ही दोनों पक्षों ने मिलकर एक अंदाजा लगा लिया है नुकसान का तो ऐसी स्थिति में तो वो चीज जो है वो कोर्ट की मदद करेगी एक डिसाइड करने में निर्णय लेने में कि कितना हर जाना देना बनता है लेकिन अगर कुछ भी नहीं है लेकिन अगर पार्टियों ने अंदाजा नहीं लगाया हुआ तो ऐसी स्थिति में जो यहां आपने पॉइंट पढ़ा नुकसान का आकलन पार्टी को वास्तव में हुए नुकसान से किया जाता है ऐसी स्थिति में वास्तव में कितना नुकसान पहुंचा है वो ध्यान में रखते हुए कि वो जनरल डैमेज है स्पेशल डैमेज है क्या है तब कोर्ट बताता है कि कितना जुर्माना बनता है मैंने एक केस लिखा है यहाँ पर जो आप देख ही सकते हैं कितना पुराना केस है 1898 मद्रास हाई मद्रास हाईकोर्ट का मद्रास उच्च न्यायालय का ये केस है इस केस का नाम है मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंदा जरा देखें इस केस में हुआ क्या ये भी जनरल डैमेज स्पेशल डैमेज के बारे में बात करता है पर हमने एक इंग्लिश केस पढ़ा अब हम एक अपना भारतीय जजमेंट भी देखते हैं वादी यानी कि प्लेंटिफ जो एक दर्जी था उसने प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट जो कि एक रेलवे कंपनी थी उसको एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े दिए ताकि उसे ऐसे स्थान पर भेजा जा सके जहां उसे आगामी त्योहार में अपना व्यवसाय जारी रखने की उम्मीद थी उसे ये लगा कि वहां पर एक बहुत बड़ा त्योहार मेघ मेला जैसा होने वाला है तो अगर मैं वहां जाके उन दिनों में काम करूंगा तो मुझे मुनाफा हो सकता है तो उसने ये रेलवे कंपनी को उस दर्जी ने अपनी वह मशीन और कुछ कपड़ा सौंपा कि वो वहां तक उस जगह तक पहुंचाया जाए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण सामान में देरी हुई और त्योहार खत्म होने के कुछ दिनों बाद तक भी डिलीवरी नहीं हुई वादी ने ने यानी कि रेलवे कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया था ये ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही वो मात खाया क्यों? क्योंकि अब जनरल डैमेज हो गया स्पेशल तो नहीं मिल सकता क्योंकि उसने तो, ये तो कभी कंपनी को बताया नहीं था कि उसे ये क्यों इतनी जल्दी वहां तक पहुंचाना है तो देखिए यही मैंने आपको बताया वादी ने रेलवे कंपनी को कोई नोटिस यानी कि कोई जानकारी नहीं दी थी यहाँ पे नोटिस का मतलब लीगल नोटिस नहीं है यहाँ नोटिस का मतलब है एक सूचना देना इन्फॉर्मेशन देना नहीं दिया था कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल को निश्चित समय के भीतर वितरित किया जाना आवश्यक था यानी कि डिलीवर करना जरूरी था वादी द्वारा अपने अनुमानित लाभ की राशि वसूलने के मुकदमे पर न्यायालय के न्यायालय ने माना कि दावा किया गया नुकसान दूरस्थ था यानी कि रिमोट था रिमोट था और पहली बात अगर स्पेशल डैमेज भी तब होता आपको दिया जाता है आपने अगर सूचना दी होती जो कि आपने नहीं दी अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति का अनुमान लगाने में अनुबंध के गैर प्रदर्शन के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए यानी कि नुकसान का शमन यानी कि जिसे हम कहते हैं मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस इसको भी मैं आपको एक उदाहरण द्वारा ही समझाऊंगी देखिए, आपने मैं बार बार आपको एक इजी से इजी उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूं तो इस बार भी मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी देखिए आपने तीन व्यक्ति हैं अपनी स्क्रीन पर आप देखें अगर ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अंतर्गत ए ने कुछ सामान मान लीजिए कुछ सौ किलो गेहूं मान लीजिए कुछ भी सौ किलो गेहूं बी को पहुंचाना था मान लीजिए कि छब्बीस फरवरी को पहुंचाना था अब बी ने ए को बताया नहीं है ये ध्यान रखिए ए को नहीं बताया बी ने सी को सी के साथ फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बी ने सी के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसने आ, मान लीजिए 28 तारीख को ये 100 किलो गेहूं जो है इसमें से मान लीजिए 80 किलो गेहूं सी को पहुंचाना था दो दिन बाद यानी कि 28 तारीख को अब जो ए है ए बी को समय से वो ऑर्डर दे ही नहीं पाया 100 किलो गेहूं जो उसने 26 तारीख को देना था वो नहीं पहुंचा पाया उस तक जिस वजह से बी ने जो सी के साथ अनुबंध किया था जाहिर सी बात है उस पर प्रभाव आएगा ही क्योंकि उसने इसी 100 किलो गेहूं में से 80 किलो गेहूं 28 तारीख को सी को देने का वादा किया है अब ये देखिए आप कि अब ऐसे में जो मैंने आपको ये ऊपर पॉइंट बताया कि नुकसान का शमन मिटिगेशन ऑफ डैमेज अब ऐसे में अगर आ, मान लीजिए कि बी क्योंकि बी कोर्ट जाता है बी अगर कोर्ट जाता है न्यायालय जाता है और ये बोले कि ए की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ और आ, मेरा जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी था वो भी पूरा नहीं हो पाया अब मैं एक आपको दो तरह से ये समझाऊंगी पहला तो मैंने आपको ये बताया है कि ए को बी ने सूचना नहीं दी थी कि उसने सी के साथ अनुबंध किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर अब अगर ए ने समय से नहीं अपना वादा पूरा किया तो जो बी को सी के सी के साथ अनुबंध ना पूरा कर पाने की वजह से नुकसान हुआ उसका बीड़ा ए नहीं उठा सकता ये बात है क्यों क्योंकि स्पेशल डैमेज है उसने ए को सूचना नहीं दी थी अब मैं इसे थोड़ा सा बदल देती हूं अब मैं ये बदल रही हूं कि मान लीजिए कि आ, बी ने ए को सूचना दी थी कि जो 26 तारीख को उसको 100 किलो गेहूं मिलने वाला है उसमें से 80 किलो गेहूं 28 तारीख को वो सी को देने वाला है उसने उसे बताया हुआ है। पहले में था नहीं बताया नहीं बताया तो वो नहीं जुर्माना नहीं उससे कोई हर मांग सकता उस चीज को लेकर अब उसने बताया है तो देखिए कि वो भी कोर्ट जाता है अब भी ये बोले अगर कि भाई मैंने इससे एक मानिए कि एक चीज जो है एग्जाम्पल बता रही हूँ उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पांच सौ रुपए में मेरे को उससे ये सौ किलो गेहूँ मिल रहा था जो कि ऐसा कुछ नहीं है बट मान लीजिए मानने में क्या सौ किलो गेहूं उसको पांच सौ रुपये में अगर मिल रहा था अब वो ये कहता है कि भाई मैंने आगे जो है छे सौ रुपए में छे सौ भी नहीं आठ सौ रुपए में आठ सौ रुपए सौ किलो तो अब अब थोड़ा मैथ्स में नहीं जाते हुए हम ऐसे बोल देते हैं कि उसको आ, हाँ इससे समझ में आएगा वो पांच सौ रुपए सौ किलो गेहूं के लिए पांच सौ रुपये सौ किलो गेहूं के लिए दे रहा था और यहाँ पर उससे ये मुनाफा होने वाला था कि उसको अस्सी किलो जो है पांच सौ रुपए में मिल रहा है अब यहाँ पर वो ये कोर्ट को अगर बोले कि भाई देखिए मुझे तो इतना घाटा हो गया तो मिटिगेशन ऑफ डैमेज में ये है कोर्ट बोलेगा कि देखिए आप अपना नुकसान कम कर सकते थे अगर आप वो गेहूं जो आपको ए नहीं दे पाया उसे मार्केट से ले लेते तो जो आपको यहाँ नुकसान हुआ वो कम हो जाता कम अगर हो जाता तो उसका मतलब ये है कि मिटिगेशन ऑफ डैमेज तो कोर्ट ये भी देखता है कि भाई आपकी तरफ से भी तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है अगर है तो फिर तो भूल जाइए कोर्ट मदद करेगा फिर धारा चौहत्तर जैसे कि मैंने आपको बताया था बात करती है पेनल्टी यानी कि जुर्माना और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई हुई है कि आ, जहां अनुबंध विशेष रूप से उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि बताता है या दंड के रूप में एक शर्त प्रदान करता है तो पीड़ित पक्ष अनुबंध में निर्धारित राशि या दंड से अधिक नहीं उचित मुआवजे का हकदार है आपने पहले से ही अगर अपने अनुबंध में डाल के रखा है तो कोर्ट के लिए वो जो चीज है जरूरी होगी क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पर उतने तक कोर्ट आपको मुआवजा मिलने में मदद करेगा मैं एक, एक ये आप अपने स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि ए बी के साथ अनुबंध करता है कि वह बी को हजार रुपए का भुगतान करेगा यदि वह किसी दिए गए दिन बी को पांच सौ रुपए का भुगतान करने में विफल रहता है यानी कि पांच सौ रुपए मुझे देने हैं लेकिन टाइम से नहीं दिए तो हजार रुपए देने पड़ जाएंगे आगे तो ए उस दिन बी को भुगतान नहीं कर पाता तो बी ए से हजार रुपए से अनधिक ऐसे मुआवजे की वसूली का हकदार है जिसे न्यायालय रीजनेबल समझेगा अब हमने बताया था विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में धारा 36 में इंजंक्शन यानी कि रोक धारा 10 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि विशिष्ट प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है ये दो जो हमारे अगर मैं आपको बोलू उपचार है ये दिए गए हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आखिर में जो मैंने आपको बताया था कॉमन लॉ रेमेडी क्वांटम मेरिट वो ये है किए गए कार्य और किए गए श्रम के लिए मुआवजे की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की गई जहां कोई कीमत तय नहीं हुई इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जितना योग्य है मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन प्रपोर्शन आशा करती हूं आज जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा धन्यवाद